गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कविता चौधरी फ्रॉम सुमिता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू हिंदी इन क्लास 6। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 6, चिट्ठी का सफर। तो चिट्ठी का अर्थ होता है पत्र। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी चिट्ठी का अर्थ पत्र या फिर लेटर। तो पत्र लिखना तो आप सभी जानते हो, जैसे कि आपकी सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास में कभी ना कभी आपने पत्र लिखे होंगे। आपके कोर्स में भी आपको पत्र लिखना सिखाया जाता है। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे जो चिट्ठी का सफर होता है वो कैसे तय किया जाता है, किसी चिट्ठी को उसके गंतव्य स्थान तक यानी जहाँ उसे पहुँचाना है वो किस तरह से पहुँचाया जाएगा, उसके लिए चीज़ें क्या क्या जरूरी होती है, क्या क्या चीज़ें उस पर लिखी जाती है, तब जाकर एक चिट्ठी अपने गंतव्य स्थल पर यानी जहाँ उसको पहुँचाना है वहाँ पहुँचती है, और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में इस चैप्टर में, इस पार्ट में अपन पढ़ेंगे। तो पार्ट 6 का नाम है चिट्ठी का सफर। तो सबसे पहले इसकी रीडिंग करना शुरू करते हैं। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कब कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे, यानी आपके जो 10-12 साल की उम्र है आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ पत्र तो लिखे होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। यानी आपने जो पत्र लिखे हैं अगर किसी को, या कोई भी लिखता है, वो अगर उसको सही पते और सही समय पर वो किस तरह पहुंचता है यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। यानी किसी पत्र को यानी किसी चिट्ठी को आपको किसी सही जगह पर पहुंचाना है उसके लिए बहुत सी बातें निर्भर करती है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, यानी चिट्ठी को कहाँ से किसने लिखा है और किसको कहाँ तक उसको देना है, यानी किसको देना है और उसके उसका पता क्या है, संदेश पहुंचाने में कितनी जल्दी है, यानी आपने चिट्ठी लिखी है आप कितना जल्दी उसको चिट्ठी को किसी तक पहुंचाना चाहते हो, तुमने पूरा और ठीक पर लिखा है कि नहीं, यानी आपने जो है किसी पहुंचान जिसको आपको ये चिट्ठी पहुंचानी है उसके घर का पता ठीक लिखा है या नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है या नहीं, यानी अगर आपने किसी चिट्ठी पर लेटर पर डाक टिकट नहीं लगाया है तो वो चिट्ठी कभी भी उसके आपको अपने गंतव्य स्थान पर आप नहीं पहुंचा सकते, या फिर जो डाक विभाग होगा वो उसे नहीं पहुंचाएगा। अब प्रश्न उठते हैं, अब क्या क्या प्रश्न उठते हैं उसके बाद पढ़ते हैं। आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, यानी चिट्ठी पर डाक टिकट क्यों लगाना चाहिए, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, यानी पूरा पता क्या है, ठीक पता उससे क्या मतलब है, जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाता है, यानी अगर जरूरत है कि किसी संदेश को जल्दी से जल्दी पहुंचाना है तो उसको कैसे पहुंचाया जा सकता है, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है, यानी आपने जिसको चिट्ठी लिखी है वो उस जगह पर नहीं है, अब उसने अपना स्थान बदल लिया, जगह बदल दी, तो उससे चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ेगा, चिट्ठी को क्या फर्क पड़ेगा। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकट इकट्ठे करने का शौक रखते हैं, यानी जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, जो ये प्रश्न लिखे हैं, इनमें से ज्यादातर के आपके पास उत्तर हो, और खास तौर पर उन लोगों के पास जो कि डाक टिकटों को इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से लिखो, दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। अब यहाँ पर आपको दो लिफाफे दे रखे हैं, उन्हें अपन को ध्यान से देखना है और इन पर जो पता लिखा हुआ है उसे इस जगह में हमें लिखना है। तो देखते हैं, सबसे पहला पहला लिफाफा कौन सा है, ये पहला लिफाफा और ये है दूसरा लिफाफा। पहला लिफाफा पर लिखा गया है महात्मा गांधी, जहां वो हो वहां वर्धा। क्या लिखा गया है, महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा। तो किसे लिखा गया है, महात्मा गांधी को ये पत्र लिखा गया है और उनका पता लिखा गया है जहां हो वहां, यानी महात्मा गांधी जहां पर भी हो उनको ये पत्र पहुंच जाए, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो एक जगह पर नहीं रहते थे, वो हमेशा इधर उधर जाते रहते थे, इसलिए यहाँ पर एड्रेस क्या लिखा है कि जहां हो वहां ये पत्र पहुंचा देना, और नीचे लिखा है वर्धा। अब है दूसरा पत्र, तो दूसरे पत्र का एड्रेस जो है आप थोड़ा मैं आपको करके दिखाती हूँ। दूसरे पत्र का पता क्या लिखा हुआ है, टू श्रीमान निदेशक महोदय, यानी पत्र लिखा गया है श्रीमान निदेशक महोदय को, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली, और नीचे पिन कोड नंबर दे रखा है 110016। तो पत्र लिखा गया किसे, श्रीमान निदेशक महोदय
जो कहाँ पर रहते हैं, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। तो इन दोनों पत्र में क्या फर्क है, जैसे यहाँ पर भी डाक टिकट लगाया गया है, डाक टिकट इस पर भी लगाया गया है, और यहाँ पर लिखा गया है एक्सप्रेस डिलीवरी। एक्सप्रेस डिलीवरी का मतलब होता है इसे तुरंत पहुंचाना है, जल्दी पहुंचाना है, ठीक है, तुरंत कह सकते हैं या आप कह सकते हैं इसे जल्दी पहुंचाना है। इस पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, यहाँ पर पता नहीं लिखा गया है, जबकि यहाँ पर पूरा पता लिखा गया है। अब हमें क्या करना है, इस पते को ऊपर दी गई जगह में लिखना है। तो किस से लिखेंगे, नीचे दिया गया था जहां हो वहां, क्योंकि पता इतना सिंपल सा होगा, जहां हो वहां। और नीचे लिखा गया था वर्धा, तो अपन इतना ही लिखेंगे। दूसरे में लिखा गया है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान, पता है बिल्डिंग का नाम लिखा गया है पहले, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, प्रशिक्षण परिषद अरविंद मार्ग, उसके बाद श्री अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली, राज्य का नाम है नई दिल्ली, एम पिन कोड लिखा गया है 110016। तो यहाँ पर पिन कोड भी लिखा गया है। तो पहली चिट्ठी का जो पहले लिफाफे का पता था क्या था, जा हो वहां, और दूसरे का अपन ने लिखा राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र परिषद, अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली, 110016, यानी 110016। अब अपन से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है, यानी जो दोनों पते अपन ने पढ़े ये एक दूसरे से किस तरह से अलग है। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहां हो वहां वर्धा। तो क्या लिखा गया है कि महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। तो जो अपन ने सेकंड नंबर लिफाफा देखा, दूसरा लिफाफा, उस पे सबसे पहले संस्थान या फिर इमारत के नाम से लेकर शहर तक का नाम भी लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी की ओर पड़े हैं, यानी कि आप किसी का पता लिखते हो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको किसी को पत्र लिखना है, उस पत्र को कहाँ पहुँचाना है, उसके लिए सबसे पहले आप छोटी इकाई से शुरू करते हुए बड़ी इकाई पर चलेंगे। कैसे, जैसे आपको आपका कोई मित्र है, आपको उसको भेजना है पत्र, उसकी गली अगर मान लो उसका मकान नंबर है 75, ठीक है, 75 उसका मकान नंबर है, गली नंबर अगर वो गली नंबर 7 में या 6 में रहता है, गली नंबर 6, पता उसका है विकास नगर, ठीक है, वो विकास नगर में रहता है, विकास नगर कहाँ पर, नई दिल्ली में। तो जैसे अपन लिख सकते हैं, या तो विकास नई दिल्ली का नहीं लेकर अपन जैसे अपने ही क्षेत्र का ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं जयपुर का पता लिख के आपने, विकास नगर जयपुर में वो रहता है, और राज्य हो गया राजस्थान। तो यहाँ पर लिखा था कि पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ते हैं, यानी अगर किसी को पत्र लिखना है तो सबसे छोटी इकाई यानी घर के का नंबर से लेकर सबसे बड़ी यानी राज्य की इकाई तक बढ़ते हैं। तो पहले अपन ने मकान नंबर लिखा, फिर गली का नाम, फिर नगर का नाम, फिर जिले का नाम, उसके बाद राज्य का नाम। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर गांव का नाम, तो अपन ने विकास नगर लिखा है, कस्बे और शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, तो हिस्सा अपन ने विकास नगर लिखा, फिर गांव या फिर शहर का नाम, शहर का नाम जयपुर, और शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं, और उसके बाद अगर आप पिन कोड चाहो तो पिन कोड भी लिख सकते हो।
हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है, यानी हर जगह पूरे भारत में या कहीं पर भी जो हर जगह पूरी जगह है उसको हर एक क्षेत्र को एक पिन कोड दिया जाता है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत ही क्या है, यानी आपको सोचना है, हमें सोच के बताना है कि पिन कोड की जरूरत क्यों है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। तो हमारे देश में कई ऐसे कस्बे हैं, टाउन है यानी विलेज है या फिर सिटी है जिनका एक जैसा क्या है, नाम है। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है। तो अगर पते के बाद पिन कोड लिखेंगे तो गंतव्य स्थान यानी जहाँ पर चिट्ठी को पहुंचाना है उसका पता लगाने में जो डाक छाटने वाले कर्मचारी होते हैं उनको मदद मिलती है। वो अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन से पते पर इस चिट्ठी को पहुंचाना है और पत्र जल्दी भी बांटे जा सकते हैं। और इससे क्या सहायता मिलती है, पत्र भी जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की है। तो पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 1972। 1947 में 1947 में अपना देश आजाद हुआ था, उसके कई सालों बाद जो है पिन कोड जो है उसकी योजना शुरू की गई और इसका नाम क्या रखा गया, पोस्टल नंबर योजना के नाम से थी। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर नेक्स्ट यहाँ पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अपन ने जैसे पढ़ा कि जो महात्मा गांधी के नाम से निकाल गया था, जहाँ हो वहाँ वर्धा, तो उसमें साफ पता चल रहा है कि उस समय पिन कोड था ही नहीं, क्योंकि पिन कोड अगर योजना ही शुरू नहीं हुई तो पिन कोड तो कहाँ से आएंगे। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, अब आगे यहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ पिन कोड का ही फर्क नहीं है लेटर में, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास भी होता रहा है। यानी जैसे जैसे समय बढ़ा है वैसे वैसे डाक विभाग ने जो है अपने सेवाओं में यानी आपको वो क्या फैसिलिटी देगा उसमें भी उसने निरंतर बदलाव किया है और विकास किया है। यहाँ पर पढ़ते हैं पोस्टल नंबर इंडेक्स के बारे में। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, यानी पिन शब्द, पिन का नंबर क्या होगा, पिन कोड का मतलब, पोस्टल इंडेक्स नंबर का एक छोटा रूप है। पोस्टल इंडेक्स नंबर को शॉर्ट फॉर्म में बोला पिन कोड। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है, तो किसी भी क्षेत्र का जो पिन कोड होगा वो कितने नंबर का होगा, हमेशा 6 नंबर का होगा, ना 5 नंबर का ना 7 नंबर का, हमेशा जो पिन कोड होगा वो 6 नंबर का होगा। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है, यानी ये 6 नंबर है, इन 6 नंबर में से हर एक का खास स्थानीय अर्थ होगा। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016, यानी 110016 ये लिखा गया है। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यानी जो पहले स्थान का अंक है ये क्या बतलाएगा कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर का है। अगले दो अंक यानी 10 तो अगले दो अंक होंगे 10 वो ये तय करते हैं कि यह दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले दो नंबर क्या बताएंगे कि यह दिल्ली के एक उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। फर्स्ट नंबर बताएगा कि यह दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू या फिर पंजाब का कोड है। सेकंड बताएगा कि दिल्ली के उप क्षेत्र का कोड है। अगले तीन अंक यानी 016 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है, यानी डाक कहाँ से बांटी जा रही है, अगले तीन नंबर ये बताएंगे। अब नेक्स्ट लिखा गया है, अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो, यानी आपके जो स्कूल है उस क्षेत्र का पिन कोड क्या है वो आपको पता करके लिखना है। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो, यानी आप जिस इलाके में रहते हो वहाँ कौन सा पिन कोड नंबर है वो पता करके लिखो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से भी प्राप्त की जा सकती है, यानी आप पोस्ट ऑफिस में जाकर भी पिन कोड के बारे में पता कर सकते हो। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है, जैसे किसी जगह का फोन नंबर निकालने के लिए डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी मिलती है, वैसे पिन कोड की डायरेक्टरी भी होती है कि किस क्षेत्र के किस कस्बे में कौन सा पिन कोड है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर भी लिखा होगा, और आपके इलाके में अगर कोई लेटर बॉक्स है तो उस पर भी पिन कोड का नंबर लिखा होता है। प्रमुख जगहों शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, यानी मेन जो शहरों के नंबर होते हैं पिन कोड नंबर वो आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं ये भी आपको सोच कर बताना है। अब अगला है,
टिकट संग्रह का शौक काफी लोकप्रिय है। यानी जैसे यहाँ चित्र में आप देख सकते हो, ये टिकट आपको दिख रही है, एक पर क्या बना है जैसे यहाँ पर कमल का फूल या फूल पत्ते इस तरह से बनाए गए हैं, नील गाय, ये क्या है हिरन बनाया गया है। तो अलग अलग तरह के डाक टिकट होते हैं, तो टिकट संग्रह का जो शौक है वो काफी लोकप्रिय है। और धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और भी बहुत सी चीजें शामिल हो गई। यानी पहले तो लोग सिर्फ टिकट का संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे, अब जो डाक से जुड़ी और भी सामान होते हैं उनका भी संग्रह करने का क्या बढ़ गया है, बहुत सी चीजें बढ़ गई है संग्रह करने के लिए। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है, पता करो और यहाँ लिखो। तो आपको पता करके यहाँ पर लिखना होगा कि डाक को इकट्ठा करने की जो लोग रुचि रखते हैं उस शौक को क्या बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखकर बताना होगा। तो अभी तक अपन ने यहाँ तक चैप्टर पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी का जो चैप्टर है उसकी रीडिंग करेंगे। अभी तक अपन ने पढ़ा है पिन कोड नंबर के बारे में, पिन कोड क्या होता है, किसी चिट्ठी को सही जगह तक पहुंचाना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होगी, जैसे उसका पता, और पता लिखेंगे तो वो छोटी इकाई से शुरू करते हुए हमें बड़ी इकाई तक लिखना है। जैसे घर के पहले घर का पता लिखना होगा, यानी घर का नंबर, उसके बाद गली का नंबर, उसके बाद क्षेत्र का नाम, जिले का नाम और राज्य के नाम की ओर बढ़ते हैं। यानी छोटी इकाई से बढ़ते हुए बड़ी इकाई तक हमें पते को लिखना होता है, तभी एक कोई चिट्ठी जो होगी कोई पता होगा वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। तो अभी तो अपन ये पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में अपन इस चैप्टर की फिर से रीडिंग करेंगे, यानी जो चैप्टर अपन का बच गया है उसकी रीडिंग करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर पढ़ने में मजा आ रहा होगा और आप समझ भी रहे होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।